हाई एवरीबडी बिग वेलकम टू द सेशन और सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि हम इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे हम कॉर्डिनेट जोमेट्री को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हैं जब हम स्प्रिंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इसी के अंदर कर लेंगे कम टाइम में कैसे ज्यादा क्वेश्चन को करना है और सही करना है ये भी हम आज के सेशन में सीखेंगे और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम आज के सेशन में यहाँ पे लर्न करने वाले हैं तो यार इस सेशन को आप कंप्लीटली एंड तक देखो और एंड तक देखा ना जाए तो खुद को थोड़ा पुश करो और जरूर इसको एंड तक जरूर से जरूर देखो क्योंकि पहली बात तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और दूसरी चीज अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे बता सकते हो इन द कमेंट बॉक्स जो कि मैं इस सेशन के एंड पे पढ़ने वाला हूँ ठीक है तो देखो दो चीजें अपन करने वाले हैं पहली बात तो स्पीड के साथ क्वेश्चंस करने वाले हैं और दूसरी बात और भी सारी बातें करने वाले हैं ठीक देखो दो लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं एक तो रियल नंबर्स पे पॉलिनोम पे सॉरी तीसरा भी हो चुका है पेयर ऑफ लीनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कर रहे हैं ठीक है और बच्चों कल के सेशन में हम ट्रायंगल्स करने वाले हैं तो बच्चों ऐसे ही हमारे सारे सेशन होने वाले हैं तो किसी भी सेशन को आप मिस मत करो स्प्रिंट का कोई भी सेशन आप मिस ना करो तो आपके लिए बेहतर होगा मैं तो कहता हूं आपके लिए बहुत बेहतर होगा तो सारे प्रीवियस सेशन करंट सेशन और नेक्स्ट सेशन की लिंक भी आपके पास प्रोवाइडेड होगी ठीक है तो बच्चों डू नॉट मिस इट मैं थोड़ा अपनी पिक्चर को बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा क्लियरली विजिबल रहूँ आपको ठीक है चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पढ़ना है विथ योर मास्टर टीचर दीनबंधु पांडे जी और मैं तो यहाँ पे रहूंगा ही आपको कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप मुझसे जरूर बता सकते हो बच्चों बस एक बात का आप जरूर ख्याल रखो वो ये है बच्चों कि जब आप स्प्रिंट कर रहे हो तो साथ साथ में अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रखो ताकि आप मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सको जहां पे आपको प्रॉब्लम हो जहां पे आप मेरी स्पीड के साथ क्वेश्चन को ना कर पाओ वहां पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करो उसके बाद आप अपना आंसर यहाँ पे देख सकते हो तो यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेट टिल एंड और बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो आपको करना ही है ये तो आपको पता है ठीक है और सिंपल सी बात है टफ टाइम डोंट लास्ट Tough people do. सिंपल सी बात है अगर किसी के लिए कोई टफ टाइम आता है तो उसके लिए अच्छा वक्त भी आता है ऐसा नहीं कि किसी की जिंदगी में हमेशा खराब समय ही आता है अच्छे अच्छे वक्त भी आते हैं जो आपको बहुत सारी यादें देकर जाते हैं ठीक है तो इट्स दैट यू हैव टू बी टफ बिकॉज अभी टाइम थोड़ा थोड़ा crucial हो चुका है आपके आखिरी एक महीने बचे हुए हैं तो इस सेशन के अंदर हम बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को भी डिस्कस करने वाले जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है पिछले क्वेश्चन का आंसर है के नॉट इक्वल्स टू माइनस सिक्स सिंपल सा रिजल्ट है हम लोगों ने करके रखा हुआ है विल डायरेक्टली गो द नेक्स्ट पार्ट देखो काफी क्लियर है तीन सेक्शन आपके पास होने वाले ए बी सी बिल्कुल सिमिलर सेक्शन में हमने यहाँ पे स्प्रिंट का सेशन भी बनाया है ठीक है सब कुछ जब पता है तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर से सिक्स मार्क्स का पेपर आने वाला है और आपको पता है सिर्फ तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन डिस्टेंस और ये हमें हमें लगता है 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 बहुत ही बेसिक चीज पता होती ठीक अब आगे बढ़ते हैं और क्या ठीक है चलो तो बच्चों लेट्स डिस्कस अबाउट की आ, हम कौन कौन से क्वेश्चन हर क्वेश्चन का मार्क्स सेम है ठीक है चाहे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो चाहे वो सेक्शन बी का क्वेश्चन हो चाहे वो सेक्शन ए का क्वेश्चन हो तो बस स्टार्ट करते हैं और मेरे ख्याल से तुरंत वीडियो को पॉज कर लो क्वेश्चन बहुत सिंपल सी बात कह रहा है ये कह रहा है वैल्यू ऑफ पी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे के रखा हुआ है 5. आपको पी की वैल्यू निकालनी है बड़ा ही आसान सवाल है कैसे पता मैं बताता हूं पी की जब वैल्यू आपको निकालनी है और क्वेश्चन बहुत ही सिंपली आपसे कुछ कह रहा है क्या कह रहा है वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे I'll use yellow color. अच्छा लगता है। दो है ए और उनके बीच का तो डिस्टेंस फॉर्मुला आपको डायरेक्टली पता है मतलब मतलब का का डिस्टेंस ठीक है बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है सबको पता है अब अंडर रूट ऑफ वन माइनस फोर का स्क्वायर मतलब माइनस थ्री का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर करो चाहे माइनस थ्री का स्क्वायर करो आंसर हमेशा जीरो माइनस पी पी का स्क्वायर करो चाहे माइनस पी का स्क्वायर करो आंसर हमेशा स्क्वायर स्क्वायर ही आएगा दैट इज इक्वल टू आप यहां से देखोगे दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे क्यों क्योंकि एक साइड रूट है एक साइड रूट नहीं है ठीक है स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो मतलब नाइन प्लस पी स्क्र इज इक्वल टू फाइव का स्क्वायर करने पे ट्वेंटी फाइव आएगा तो पता चला कि नाइन की वैल्यू अगर नाइन प्लस पी स्क्वायर हमारा आ रहा है ट्वेंटी फाइव तो हम यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन होता है सिक्सटीन अब हमें पता है सिंपल सी बात है एक प्रॉब्लम यहां पर होती है बच्चे तुरंत ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर देते हैं तुरंत लेकिन गलत बात है क्या कंडीशन ऐसी यहां पे है क्वेश्चन में कि आपको ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन देने से रोक रही है क्या ऐसी कंडीशन है कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है एज थोड़ी ना है किसी की कि नेगेटिव नहीं हो सकती है <laughs> ठीक है आपको पता है सिक्सटीन को आप देखो दूसरा तरीका बता रहे का या तो आप ये कर दो पी स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो पी माइनस फोर और पी प्लस फोर दैट इज इक्वल टू जीरो से आपको पी की दो वैल्यूज मिलेंगी एक तो मिलेगी पी इक्वल्स टू फोर और एक मिलेगी पी इक्वल्स टू माइनस फोर कोई भी वैल्यू उठा के आप क्वेश्चन को कर सकते हो ठीक है तो ये दोनों ही ऑप्शन बी एन सी आर करेक्ट तो याद रखो क्वेश्चन अच्छा है ऐसे क्वेश्चन में हम गलती कौन सी करते हैं हम तुरंत ऑप्शन देख के बी को सी को मार्क करके चले आते हैं जबकि ऐसा नहीं है अगर आपको मिल गया है कि पी स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन है आपको पता है कि सिक्सटीन जो होता है वो फोर का भी स्क्वायर होता है और सिक्सटीन जो होता है वो माइनस फोर का भी स्क्वायर होता है तो ये गलती आपको नहीं करनी है प्लीज कोशिश करो आपको पता है यहां पे ये गलतियां होती हैं और ये जो गलती है ना ये आपको बता रहा हूं अक्रॉस द चैप्टर होती है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चैप्टर में होती है ऐसे बहुत सारे चैप्टर जहां पे आपको ऐसी कुछ चीजें मिलेंगी और आप गलतियां करोगे ठीक है तो लेट्स नॉट डू दैट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं देखो कोलिनियर का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से अगर आप ना भी करो तो काम चल जाएगा आप ना भी करो तो काम चलेगा को लिनियर का कॉन्सेप्ट बिना एरिया ऑफ ट्राइंगल के आप सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस फॉर्मुला लगाना पड़ेगा और डिस्टेंस फॉर्मुला यहां पर लगाना थोड़ा सा टिपिकल है कैसे आपको पता है कि अगर बी ठीक है, है और सी अगर ये तीनों को है मतलब माइनस थ्री कॉमा ट्वेल्व बी जो है हमारा वो है सेवन कॉमा सिक्स सी जो है हमारा दैट इज एक्स कॉमा नाइन अगर ये कोलिनियर है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि सर ए बी प्लस बी सी शुड बी टू ए सी पहला तरीका तो ये है. पहला तरीका ये है हाँ इससे भी कर सकते हैं दूसरा तरीका ये है आप बोल दो ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए बी सी विल बी जीरो भाई. अरे कोलिनियर है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन बनेगी तो ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा जब ट्राइंगल बन ही नहीं रहा तो ट्राइंगल की एरिया हो जाएगी जीरो ट्राइंगल का फॉर्मूला आपके कोर्स में है नहीं तो बेसिकली ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल है ये आ सकता है नहीं भी आ सकता चांसेस बहुत कम है क्योंकि एक ही तरीका है निकालने का क्योंकि ट्राइंगल का फॉर्मूला तो आ नहीं रहा है तो यही तरीका बचा तो ट्राई कर सकते हो हालांकि ठीक है हाँ दो दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा पर सबसे इजी काम पता है क्या है सुनो तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर

I'm sorry, I'm sorry, sorry. <laughs> चलो कोई बात नहीं I'm so sorry. <laughs> मेरी गलती है मैं मानता हूँ ठीक है तो मेरी गलती है ये ये मेरी गलती थी मैंने गलती से दिखा दिया आंसर बाई दबे चलो निकाल लेते हैं इसको ठीक है बहुत सिंपल है ये आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है हाँ ए बी निकाल लो और फिर उसके बाद बस वैल्यू पुटिंग कर देना एक्स के चारों ऑप्शन रख के देख लेना बस वो तरीका कर लो सबसे इजी तरीका हो जाएगा ए बी निकालोगे तो क्या आएगा पहले मैं इसको रब कर देता हूं ठीक है अगर आप ए बी निकालने की कोशिश करोगे तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी आप निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ सेवन माइनस ऑफ माइनस थ्री मतलब हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स ठीक है ये भी कुछ ऐसे ही हो जाएगा तो यार देखो मैं ये कह रहा हूं कि आप x की वैल्यू रख के भी आप एक बार चेक कर सकते हो बाय द वे दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाँ यहाँ पे इसलिए दिया हुआ था ताकि आपको थोड़ा पता रहे कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पास आपको पता होने चाहिए बेसिकली द पॉइंट इज दैट ठीक है चलो तो यार दोनों तरीके आप लगा सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला अगर आप लगाओगे तो वो आप वो भी आप लगा सकते हो फॉर्मूला आपको पता है वन बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला पता है वन बाई टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस और क्योंकि हमें पता है हम एक को एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू जेड वन लाइक एक्स वन लाइक एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री लेके चल सकते हैं हमें पता है कि अगर ये तीनों पॉइंट को लीनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी जीरो में एक सिंपल सी इक्वेशन मिलेगी वो आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो टफ नहीं है बहुत इजी है ये ठीक है तो अभी हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये रहा पेन लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं इजी है चलो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर फाइंड द रेशियो इन विच बी सेगमेंट बहुत सिंपल है यार बहुत एक एक so, चलो कोऑर्डिनेट्स आपको पता है क्या है A के कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहा है थ्री चलो थ्री कॉमा वन ठीक है यहाँ पे अपन बना लेते हैं ठीक है ए जो है हमारा उसके कोऑर्डिनेट्स है 3,1 ठीक है सी जो है ना बच्चों उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आप देखो 8,6 ठीक है 8,6 ये आपको निकालना पड़ेगा वहां से पता करना पड़ेगा ठीक है और बी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको देके रखे हैं 6,4 बी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं 6,4 कुछ नहीं करना है आप इसको m:n का रेशियो उठा लो ए से सी की तरफ m:n का रेशियो उठा लो ठीक है आपको x पता है फॉर्मूला पता है x इज इक्वल टू एम टाइम्स एन टाइम्स अपॉन एम प्लस एन अगर आपने मेरे से पढ़ा है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था तो वैसे हर जगह लोग एम वन एम टू ऐसा करके बताते हैं अब कुछ करना ही नहीं है भाई इसमें अब कुछ करना ही नहीं है एक्स आपको दिया हुआ है देखो वहां पे सिक्स साफ साफ दिया हुआ है एम एक्स टू मतलब जो आप ये वाला एम ले रहे हो ना तो आपको एक्स टू के पास जाना है मतलब आप ए टाइम्स ऑफ एम लिखोगे जब आप एन की बात कर रहे हो तो आपको दूसरे वाले एक्स के पास जाना है मतलब थ्री के पास जाना है और नीचे आप एम प्लस एन तो लिखोगे तो फिलहाल आपको पता नहीं है और आपको रेशियो निकालना है एम इज टू एन निकालना तो काम बहुत सिंपल हो गया पता है एम और एन को ऊपर ट्रांसफर कर दो तो सिक्स एम प्लस सिक्स एन इज इक्वल टू एट एम प्लस थ्री एन ठीक है अब थोड़ा सा लग रहा है कि यार प्रॉब्लम ना हो नहीं सिक्स तो 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 अब एक काम इसको आप लिखो थ्री मल्टीप्लाइड बाई एन इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाई एम आपको एम इज एन निकालना है ना तो एन को नीचे ला लो और यहाँ टू को नीचे ला लो तो पता चला थ्री इज टू टू इज इक्वल टू एम इज टू एन बेसिक सी चीज है बट पता तो होनी चाहिए तो आप चाहे तो x की हेल्प से निकाल सकते हो एम इज टू एन का रेशियो और चाहे तो आप y की हेल्प से निकाल सकते हो बट आप निकाल सकते हो ठीक है मैं तनु फिर मिलाऊंगा ठीक ऐसा कुछ करके ठीक है कहा मिलाऊंगा कितने बार मिलांगा ये नहीं पता बट मैं तेन फिर मिलांगा चलो लेट्स गो टू सिंपल था एक बार आप इसको ट्राई करना घर पे। अगला करते हैं। ए एंड माइनस बी अच्छा ए माइनस बी एंड काफी है। अच्छा एक काम करो यहाँ पे वीडियो को कर question solve करो और फिर आंसर लिख दो एक तरीका तो ये है दूसरा तरीका मैं कर देता हूँ <laughs> चलो वैसे कुछ करना नहीं है इन दोनों के जो डिस्टेंस पूछ रहा है यार ये तो बहुत ही गंदा क्वेश्चन है यार डिस्टेंस क्या अच्छा हमेशा डिस्टेंस निकालने को भी पहले को सपोज कर लो आप एक्स वन वाई वन अपने मन से यार किसी को भी कर सकते हो एक्स टू और वाई टू फिर एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है बस ध्यान तब रखो जब आप साइन में थोड़ी गड़बड़ी कर रहे हो मान लो एक का साइन नेगेटिव है एक का साइन पॉजिटिव है तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। जैसे ध्यान से देखो x2 टू माइनस एक्स में दिक्कत नहीं हुई क्यों क्योंकि a भी पॉजिटिव था वहां पे भी a पॉजिटिव है a माइनस ए हो गया कोई दिक्कत ही नहीं हुई थोड़ा b में हुई y2 आप देख रहे हो वो b है लेकिन y1 क्या है वो आपका माइनस बी है ये थोड़ा सा आपको इसका ख्याल रखना पड़ता है बाकी सारी चीजें बहुत सिंपल है तो आप देखो मैंने वाई टू माइनस वाई वन किया है तो बहुत ही वहां पे मैंने क्लियरली मेंशन मैं अंडर रूट ऑफ ए माइनस ए जीरो हो गया b minus of minus b becomes two times of b उसका square distance आपको पता है कि अगर डिस्टेंस निकालना है जो कि अंडर रूट ऑफ फोर बी स्क्वायर आ रहा है आंसर शुड बी और तो कुछ चाहिए नहीं हमें ठीक है मेरे ख्याल से काफी इजी है तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको फिर मिलाऊंगा कहा मिलाऊंगा कैसा मिलाऊंगा नहीं पता बट क्वेश्चन अच्छा होगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सिंपल है ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन If the point K इफ द पॉइंट के इज टू के जीरो सॉरी नॉट के पॉइंट के जीरो divides the line segment joining the points A and B in the ratio वन is to टू ठीक है अच्छा रेशियो दिया हुआ है A और B दिया हुआ अरे यार बच्चों अच्छा सुनो यहां पे बच्चे एक गड़बड़ी करते हैं देखो पहले वो A तो लिखते हैं ठीक है ध्यान से देखो पे A का पॉइंट क्या है 2, -2 ठीक है वो b भी सही लिखते हैं -7, 4 ठीक है बस प्रॉब्लम यहाँ पे करते हैं जब रेशियो लेने की बारी आती है ना तो कई दफा वो लोग रेशियो यहां से 1:2 ले लेते हैं जो कि गलत है जिस ऑर्डर में पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स दिए हुए ना उसी ऑर्डर में आपको रेशियो भी लेना है तो अगर आपको यहां से याद रखना कि रेशियो को भी आप a से स्टार्ट करोगे सो बेसिकली आप यहां से बोलोगे 1

वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस सेवन और बिल्कुल टू को उसके ऑपोजिट वाले के साथ टू मल्टीप्लाइड अपॉन थ्री माइनस थ्री अपॉन थ्री बच्चों होता है माइनस वन और काम खत्म इतना स्वीटली आप आंसर निकाल सकते हो ना और बोलो मतलब ना फॉर्मूला लिखने की झंझट है क्यों लिखना है फॉर्मूला सिंपल है यार ऐसे कौन करता है मतलब एकदम बेसिक सा सवाल है ये इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई ठीक है चलो सेक्शन बी के ऊपर चलते हैं ठीक है आ, अच्छे से करना सेक्शन बी के भी क्वेश्चन अच्छे हैं कोशिश करो कि सारे क्वेश्चन के करेक्ट आंसर दो आपके पास पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा इजी है मुझे लग रहा है हाँ बहुत इजी है बहुत इजी है बहुत ज्यादा इजी है हाँ बस एक चीज का ख्याल रखो जो पहला कोऑर्डिनेट है ना विच इज ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा और उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है यहां पे हम गलती करते हैं हम कॉमा मिस कर देते हैं आपको ये ध्यान से देखना है कि आपका कॉमा कहाँ पे लगा हुआ है जैसे मान लो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया थ्री एक्स प्लस टू एम माइनस एट कॉमा टू एक्स प्लस थ्री इसका मतलब है ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट तो यहां पे हम गलतियां ना करें देखो मैं आपको हर पॉसिबल मिस्टेक के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आप पेपर में करते हो जो आप गलतियां करते हो मैं चाहता हूं आप ये गलतियां ना करो ठीक है तो इसमें भी simple है। जब आप डिस्टेंस आप निकाल रहे हो आप y2 टू माइनस वाई वन करोगे वाई टू कितना है आपका वाई टू है जीरो माइनस वाई वन कितना है वाई वन है आपका सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस बी साइन थीटा तो माइनस ए कॉस थीटा क्योंकि सब में माइनस होगा तो माइनस बी साइन थीटा और इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर अब आप करो वाई टू माइनस वाई वन वाई टू कितना है आपका देखो पूरा वाई टू है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा और वाई टू कितना है आपका वाई वन टू जीरो है भाई तो माइनस जीरो और टू दी होल स्क्वायर इतना सिंपल है ठीक है ध्यान से देखते हैं तो डिस्टेंस यू कैन फाइंड इट एज अंडर रूट ऑफ ये तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली तो प्लस वन हो जाएगा तो आप इसको एस थीटा प्लस बी साइन भी लिख सकते हो इसको आप ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हो ओपन द ब्रैकेट अंडर रूट मत हटाओ उसकी कोई जरूरत नहीं है बस ब्रैकेट ओपन कर दो ए स्क्वायर कॉस स्क्टा प्लस बी स्क्टा प्लस टू ए बी साइन थी हो जाएगा ए स्क्टा प्लस बी स्क्र कॉ स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा बड़ा ही आराम से हो जाएगा बड़ा सिंपल काम है अब एक काम करो ए स्क्वायर कॉमन लो क्यों क्योंकि फिर यहां पे बचेगा कॉस थीटा और यहां पे है साइन स्क्वायर थीटा तो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब आप कॉमन लो बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा था यहाँ पे भी कॉस थीटा तो बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका वन के बराबर होता है तो ये हमारा वन हो गया ये हमारा वन हो गया तो डिस्टेंस हमारा एकदम डायरेक्टली आ गया ऑफ क्योंकि उनके साथ तो है। देखो कितना आराम से हो गया ये तो पता है इतनी इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो पहली बात तो आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो एक बार जब आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया ना तो उसको थोड़ा सॉल्व ठीक से करो बस ठीक है तो इजी तो है बच्चों अब आप अपना अपने देश कितना ईजी बना सकते हो ये आप पे डिपेंड करेगा ठीक है कई दफा बच्चे जल्दबाजी में ये ऑप्शन मार्क करके चले आते हैं गलत गलत ध्यान से देखो यहाँ प्लस साइन है तो चलो अब पक्की बात रूट लगा हुआ है मतलब या तो ऑप्शन नंबर सी या तो ऑप्शन नंबर डी अब रूट के अंदर भी चेक कर लो भाई कई बार उनको दिखता है कि अरे ऑप्शन नंबर सी में रूट दिख रहा है मार के चले आते हैं फिर देखे और घर पे जाके देखे और ऑप्शन नंबर डी पे भी रूट था ओ मई गॉड ठीक है तो प्लीज सारे ऑप्शन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यार मैं नहीं कर रहा भाई ये क्वेश्चन मैं निकाल निकाल दूंगा वाई तुम लेना वैसे दोनों निकालने पड़ेंगे क्योंकि ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग है ठीक है चलो इंटरनली uh, डिवाइड कर रहा है तो फॉर्मुला बिल्कुल सेम लगाना है ठीक है ए यहां है आपका विच इज टू कॉमा फाइव B है आपका यहां पे है एक्स कॉमा वाई और बोल रहा है सी जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो थ्री टू फोर सी क्या है हमारा माइनस वन कॉमा टू रेश फोर कुछ नहीं करना है भाई कुछ नहीं करना है आपको माइनस वन दिया हुआ है ठीक है इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ एक्स ठीक है थ्री टाइम्स ऑफ एक्स और फोर टाइम्स ऑफ टू प्लस फोर टाइम्स ऑफ टू ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपॉन थ्री प्लस फोर जो कि होता है M M. ये चला गया, तो माइनस सेवन इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस माइनस सेवन माइनस एट माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ एक्स दिस इंप्लाइज दैट एक्स विल बी माइनस अपॉन थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव जैसे ही आपका एक्स माइनस फाइव आ गया आपने ये दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया क्यों भाई साहब एक्स हमारा माइनस फाइव आ रहा है जल्दबाजी मत करना अब की अब की वैल्यू भी निकाल लेना है ना अब मैं, अब मैं मैं नहीं निकाल रहा तुम कर लेना सेम प्रोसेस सेम प्रोसेस आप वाई में भी अपनाते हो ठीक है बिल्कुल सेम प्रोसेस थ्री को आप वाई टू के साथ मल्टीप्लाई करोगे और y आपको दिया हुआ है टू दिया हुआ ऑलरेडी यहां पे देखो टू दिया हुआ है तो टू थ्री को आप वाई टू के साथ तो थ्री टाइम्स ऑफ y और फोर को आप वाई वन के साथ प्लस फोर टाइम्स ऑफ फाइव डिवाइडेड बाई सेवन सेम प्रोसेस करोगे आंसर आ जाएगा y की वैल्यू निकल के आ जाएगी देखो मैं नहीं बताऊंगा अब तुम खुद से कर लेना ऑप्शन नंबर ए या सी में से कोई होगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है सब कुछ नहीं बताऊंगा यार आंसर की थोड़ी ना हो मैं है, है कि नहीं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है थीके? और थोड़ा ठीक है मतलब बहुत अच्छा नहीं कहूंगा मैं हाँ मिड पॉइंट के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो आप जैसे मान लो बच्चों कि कोई दो पॉइंट्स है x1 वन कामा वाई वन और ये कोई पॉइंट है एक्स टू कामा वाई टू आपको अगर इनका मिड पॉइंट निकालना है ना x कॉमा वाई इसको मान लो m बोल दिया और ये मैंने बोल दिया आपका ये आपका मिड पॉइंट है बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्मूला है x निकालना है दोनों x1 x2 का एवरेज ले लो मतलब x1 प्लस x2 का एवरेज ले लो डिवाइड बाय टू आपको बीच वाला y निकालना है दोनों y1 y2 का एवरेज ले लो y1 प्लस y2 डिवाइड बाय टू खत्म डन ठीक है करते हैं ठीक <laughs> है चलो देखते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं मेरे ख्याल से काफी सिंपल है ठीक है इसमें बोल रहा है दो पॉइंट्स हैं व्हिच इज a 10 -6 एक दूसरा पॉइंट है विच इज के कॉमा फोर ठीक है इसमें बोल रहा है कि दोनों का एक मिड पॉइंट है जिसका नाम है दोनों का एक मिड पॉइंट है जिसका नाम है ए कॉमा बी ठीक है अब क्वेश्चन और सवाल ये उठ रहा है बच्चों सवाल जो उठ रहा है उसको ध्यान से देखो समझो उसको सवाल ये उठ रहा है कि ए हमको पता है ए कैसा निकलेगा सर ए इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू मतलब टेन प्लस के डिवाइडेड बाई टू सर b कैसे निकलेगा माइनस सिक्स प्लस फोर मतलब माइनस सिक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू तो a का तो हमको b की वैल्यू माइनस टू अपॉन टू माइनस वन मिल रही है a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो b की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो और आंसर निकालो a की वैल्यू को पुट करते हैं टेन प्लस के अपॉन टू ये a की वैल्यू हो गई

डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो गई क्वेश्चन अच्छा था थोड़ा किया करो पता है घर पे ऐसे इग्नोर मत किया करो यार अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कभी ना इग्नोर नहीं करना चाहिए अच्छे क्वेश्चन में यही खासियत होती है कि वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं ठीक है बेसिक सा सवाल था मतलब फॉर्मूला वही लगाना था टेन प्लस के डिवाइडेड बाई टू माइनस सिक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू ऐसे करके आपने ए और बी निकाल लिया

बी जो है आपका वो है थ्री कॉमा माइनस एट मैं बिल्कुल नहीं कर रहा ये क्वेश्चन P जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है दैट इज माइनस फोर कॉमा वाई ठीक है किस रेशियो में कर रहा है वो हमें नहीं पता तो वो हम ले लेंगे एम एस टू एम ठीक है ए से स्टार्ट करना ठीक है आपको एम एस टू एन निकालना है बच्चो एनएस टू एम मत निकाल देना ठीक है माइनस फोर दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर निकल आएगा एक्स दिया हुआ है तो x के लिए निकाल दो इक्वेट कर दो m और n मतलब उनका रेशियो आ जाएगा इसी में एक सेकंड क्वेश्चन होता है कि एक बारी जब m और n की वैल्यू आ जाए ना तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अब y की वैल्यू बताओ तो वो तो बड़ा सिंपल है एम और एन की वैल्यू आ गई मतलब रेशियो आ गया हमारा बस फिर तो हो गया काम तो इजी है काफी इजी है मतलब आप आराम से कर सकते हो तो लेट्स स्टार्ट इट एंड लेट्स कंप्लीटली डू इट बच्चों आखिरी तक क्वेश्चन को वेट करना है इसके बाद हमारा सेक्शन सी आने वाला है जहां पे हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं सो प्लीज जस्ट वेट द द एंड ऑफ सेशन दिस इज गोइंग टू टिलेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू काफी ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए ठीक है चलो इसको कैसे करना है सेम प्रोसेस है आपको पता है माइनस फोर दिया हुआ है तो माइनस फोर इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ थ्री जो कि हम बार बार कर रहे हैं थ्री एम एन टाइम्स ऑफ माइनस सिक्स तो माइनस सिक्स एन अपॉन एम प्लस एन ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस फोर फोर एन इज़ इक्वल टू थ्री एम इधर आएगा तो ये हो जाएगा फोर एम इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा सिक्स एन तो सिक्स एन इधर आएगा तो सिक्स एन माइनस फोर एन इज इक्वल टू थ्री एम प्लस फोर एम पता चला टू एन इज इक्वल टू सेवन एम सेम वही प्रोसेस क्या करना है आपको पता है टू टाइम्स ऑफ एन दिया हुआ है सेवन टाइम्स ऑफ एम अपॉन एन चाहिए तो सेवन को इधर ला लो तो करेक्ट आंसर ठीक है चलो कर लेना इजी है ठीक है सिमिलरली हमें अगला क्वेश्चन भी करना है आई थिंक अगला क्वेश्चन इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं है ट्राई <laughs> सेक्शन यार मैं ये क्वेश्चन अब बिल्कुल नहीं कर रहा पता है क्यों सुनो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये बताऊ क्या एक तो मैं एक बात बताता हूं दो तरीके हैं करने के माइनस थ्री कॉमा माइनस वन अच्छा सॉरी थ्री कॉमा माइनस वन आई एम सो सॉरी लेटमी इरेज दिस ठीक है कितने बच्चों थ्री कॉमा माइनस वन है अगला वाला है हमारा दो ऐसे पॉइंट्स आपको बीच में डालने पड़ेंगे सच दैट सच दैट ए बी इसका नाम आप पी दे दो इसका नाम क्यों दे दो ट्राई सेक्शन का मतलब होता है दो ऐसे पॉइंट्स आपने डाले सच दैट ए पी is equals to PQ is equals to QB मतलब तीनों की लेंथ बराबर होगी ट्राई सेक्शन का मतलब यही होता है अब आपको एक बात बताता हूं इसका मतलब है कि अगर हम AP को देखें AP इज टू PB को देखें तो अगर हम AP की लेंथ को x अज्यूम करेंगे तो PB की लेंथ तो सर 2 टाइम्स ऑफ x होगी क्यों अरे सेक्शन है तीनों लेंथ बराबर है तो अगर एक पर्टिकुलर लेंथ x है तो दो मिलाएंगे तो 2x हो जाएगी तो AP सिर्फ x है PB तो PQ और QB का मिक्सचर है ना मतलब मिला के उनको लिख रहे हैं मिक्सचर बोल रहा हूँ चलो तो ये रेशियो आपको मिल गया 1:2 तो अगर आप सिर्फ अभी आप मान लो P कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हो सिर्फ पी निकालना चाह रहा हूं। तो अब आपको ये रेशियो मिल गया कुछ नहीं करना है पता है पता बड़े आराम से निकल आएगा three, और ठीक है बड़े आराम से निकलेगा फॉर्मूला निकाल लो आप एक्स कॉमाई का फॉर्मूला वही वन टाइम्स ऑफ सिक्स टू टाइम्स ऑफ थ्री तो ये हो गया नाइन डिवाइडेड बाई थ्री ये थ्री हो जाएगा मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ फिर वन टाइम्स ऑफ एट तो एट टू टाइम्स ऑफ माइनस वन तो माइनस टू एट माइनस टू सिक्स अपॉन थ्री मैंने डायरेक्ट निकाल दिया मुझे माफ कर देना ठीक ठीक है थीक है अच्छा यहाँ आएगा पहले वाले पे शायद 4 आएगा ठीक है पहले वाले पे शायद 4 आएगा, आएगा। सॉरी क्योंकि ना क्या है कि वन टाइम्स ऑफ सिक्स तो सिक्स हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ जो थ्री करोगे तो वो भी सिक्स आएगा तो सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व होता है ट्वेल्व डिवाइड बाई थ्री फोर होता है तो आपको पता चला कि ए ऑप्शन तो लग रहा है यार ये तो सही है हाँ। अब है, आपको फोर कॉमा टू जब मिल जाए ना तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्यों अब देखो अगर आप थोड़ा सोचोगे तो जो पीबी है क्यू तो उसके लिए मिड पॉइंट हुआ ना क्यों क्योंकि पी क्यू और क्यूबी की लेंथ बराबर है तो मिड पॉइंट फॉर्मुला से डायरेक्ट निकाल दो फोर प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई टू फाइव 8 plus 2 divided by 2 5 भाई साहब ऑप्शन नंबर ए भी पॉसिबल है ऑप्शन नंबर बी क्योंकि वो दोनों p और क्योंकि कोऑर्डिनेट्स दिए हुए तो ऐसे में ना ऑप्शन नंबर सी को मार्क करके आते हैं ठीक है इजी था आप कर लेना बढ़िया क्वेश्चन था ये इसको जरूर से जरूर इसका स्क्रीनशॉट रख लो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और ऑप्शंस भी काफी बढ़िया दिए हुए ठीक है सेक्शन नंबर सी पे चलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बहुत कुछ है मजा आएगा ठीक है एक हॉकी फील्ड की बात कर रहा है जैसा फिगर में दिया होगा अपन देखने की कोशिश करेंगे फिगर के ऊपर चलते हैं ये आप पढ़ लो एक बार है ना जिनको ज्यादा पढ़ना हो वो लो लोग वीडियो पॉज कर लो ठीक है जिनको ज्यादा अच्छे से पढ़ना हो देखो बच्चों एक के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो अच्छा आएगा ही आएगा ठीक है जैसे सैम्पल पेपर में भी था एक बढ़िया क्वेश्चन था वहां पे तो वो तो आएगा ही आएगा तो मेरे ख्याल से आप काफी आराम से आंसर कर सकते हो ठीक है तो ऐसा कुछ है क्वेश्चन ठीक एक बार अपन जरा समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर वन समझते प्लेयर पी नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी सच दैट ए पी एंड जी आर इन द स्ट्रेट लाइन बहुत सिंपल सी बात है पहले आप एक काम करो ए और जी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो ए कहा है ए के कोऑर्डिनेट्स अगर ध्यान से देखे जाए तो ए के कोऑर्डिनेट्स है थ्री रुको ब्लैक कलर ले लेते ब्लैक नहीं यहाँ पे अपना कौन सा कलर बढ़िया काम करेगा ग्रीन कलर काम करेगा शायद हाँ। तो ए को हमने ले लिया बच्चों 3, पता है ना बढ़िया थ्री कॉमा सिक्स है ठीक है तो आगे हम लिख लेते हैं उसको वहां पे है ना वहां पे हम उसको लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे तो हमारा जो ए का कोऑर्डिनेट है ना ए वो है हमारा थ्री कॉमा सिक्स ठीक है अब अब क्या करते हैं बच्चों अब चलो हम जी का क्योंकि हमें जी की बात कर रहे हैं जी कहां पे है जी कहां परमा माइनस थ्री ठीक है जी के कॉर्डिनेट है बच्चों वन कॉमा माइनस थ्री ठीक है तो जी के कॉर्डिनेट है मान लो ऐसे लिख लेते वन कॉमा माइनस थ्री ठीक है क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा ये कह रहा है

P, A और G तीनों एक ही लाइन में खड़े होने चाहिए मतलब पक्की बात है P जो है ना वो एक्चुअली में मिड पॉइंट है इन दोनों का तभी तो इक्वल डिस्टेंस होगा AP पी इक्वल टू पी होगा और तीनों एक स्ट्रेट लाइन में भी आ गए तो मिड पॉइंट का तो फॉर्मूला पता है क्या पता है वन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू देख लो थ्री प्लस वन P के फॉर्मूला x कॉमा निकाल सकते हो x विल बी वन प्लस थ्री एक्स वन y is equal to y1 plus y2 तो 6 minus 3 divided by 2 ये हो जाएगा बच्चों 4 by 2 which is 2 ये हो जाएगा बच्चों 3 by 2 तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 comma 3 by 2 ऑप्शन से मैच कर लो आंसर ना आए तो बोलने का ढंग नहीं ये वाला केस एक्जिस्ट नहीं कर रहा क्यों क्योंकि बोल रहा है कि वो दोनों तीनों के तीनों सेम स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए हो गया क्वेश्चन खत्म टाटा बाय बाय ठीक है इजी था चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अरे द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आई एंड ई आई और यू उठाते हैं ठीक है आई के कॉर्डिनेट क्या देखना पड़ेगा आई के कॉर्डिनेट्स माइनस वन कॉमा लिख लेते हैं वहां पे अरे यार रुको 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 रुको, रुको, रुको दिक्कत हो गई आई के कॉर्डिनेट देखो वहां पे ठीक तो है चलो हाँ तो आई के कॉर्डिनेट्स है क्या था, 1, -1, 1 था ना माइनस वन कामा वन आई थिंक है ना यही तो था शायद के कोऑर्डिनेट्स तो यही थे लेते हैं सॉरी ठीक है हाँ, के है। के है? के कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स क्या तो बन गया इसमें बोल रहा है एक ऐसा पॉइंट बताओ एक्स एक्सिस में जो इन दोनों से हो। देखते हैं, शायद ये ग्राफ से ही डायरेक्ट सॉल्व हो जाए मेरे को लग रहा है डायरेक्ट ग्राफ से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है

दोनों के बीच में डिस्टेंस है माइनस वन से टू के बीच में डिस्टेंस है टोटल हमारे पास थ्री का मतलब पॉइंट कहीं यहां पे होना चाहिए। ये जो होगा ना बच्चों यही वो परपेंडिकुलर बाई में लाई करेगा वो पॉइंट ठीक है अरे पता है यार देखो मान लो आपको पता है कि आई और ई के बीच में डिस्टेंस कितना है ध्यान से देखोगे तो माइनस वन से टू के थ्री थ्री यूनिट्स का तो थ्री यूनिट्स का जब डिस्टेंस है तो मिडिल होगा बेसिकली वन पॉइंट फाइव इधर से भी वन पॉइंट फाइव इधर से भी तो आपको पता चल गया सॉरी लेकिन यहां पे तो पे बनाएगा. मतलब एक्स कॉर्डिनेट है 1 by 2, और y है जीरो तो मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए वन बाई टू कॉमा जीरो कर सकते हो आप ठीक है और ऑप्शन हम देखते हैं देखते हैं वन बाई टू कॉमा जीरो है क्या होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए ठीक है <laughs> सिंपल सी बात देखो चलो मैं बता देता हूँ तो आई वाला पहले देख लेते हैं क्वेश्चन सिंपल है यार आप दिमाग uh, और ये हमारा शायद टू कामा वन था एक कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में ई हमारा है ना एक ही क्वेश्चन में करूंगा फिर बाकी खुद से करोगे एक कोई x में, जो है इन दोनों से ठीक है मतलब दोनों दो में डिस्टेंस फॉर्मुला लगाओगे मान लो उस पॉइंट का नाम है x कॉमा जीरो डिस्टेंस फॉर्मुला लगाओ तो पहला मतलब आई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है हम नहीं कह रहे क्वेश्चन कह रहा है हम निकाल लेते हैं आई एक्स आई एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस माइनस वन तो x प्लस वन का स्क्वायर वाई माइनस वन सॉरी जीरो माइनस तो वन का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट का स्क्वायर जीरो माइनस वन मतलब वन का स्क्वायर कुछ करना ही नहीं है स्क्वायर दोनों ओपन कर दो ठीक है तो पता चला यहां पे x minus, sorry, x x कुछ करना ही नहीं है भाई वन और वन चले गए ठीक है ब्रैकेट ओपन कर दो लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्रैकेट ओपन करोगे अरे राइट हैंड साइड वाला ओपन करोगे एक्स स्क् माइनस फोर एक्स प्लस फोर X square, X square गया. 4X आ जाएगा, तो एक्स तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 1 by 2. ओ भैया इसका नाम हो गया वन बाई टू कॉमन जीरो इसको बोलते हैं जंग। वैसे मैं बता रहा हूं ग्राफ से डायरेक्ट सॉल्वेबल था ये क्वेश्चन तो परेशान ना होना ग्राफ से कर लेना ठीक है अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आप जरूर कर लेना बच्चों वैसे दो क्वेश्चन होमवर्क देना चाहूंगा ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट आप ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो प्लीज ये क्वेश्चन के स्टडी के एटलीस्ट दो से तीन क्वेश्चन आप प्लीज मेरे को इसका आंसर चैट बॉक्स में जरूर दे देना चैट बॉक्स में ना दो तो एटलीस्ट आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दो आंसर दो और सल्यूशन के साथ ठीक है तो ये कुछ बातें थी बच्चों अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी बातें डिस्कस करते हैं बच्चों देखो आपको पता है कि आपको वेदांतु अभी फिलहाल के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाह रहा है जो कि ये है बच्चों आपकी प्रेपरेशन स्टार्ट हो चुकी हैं आप भी मेहनत स्टार्ट कर चुके हो पेपर के लिए एग्जाम के लिए एग्जाम आपका कब है आपको पता है कि आपको सर ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ नवम्बर से हमारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और हम भारी मात्रा में मेहनत करना चाहते हैं उस मेहनत में आपकी हम हेल्प भी करना चाहते हैं तो बच्चों सबके लिए अनलिमिटेड लाइव क्लासेस विद फन हाई लेवल सब कुछ वहां पे बहुत ही रिगरस तरीके से प्रैक्टिस हो रही है प्रिपरेशन हो रही है रिप्लेज आपको मिल रहे हैं माइक्रो कोर्सेज में आप किसी भी चैप्टर किसी भी टॉपिक को जाके पढ़ पा रहे हो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है बट ओनली इफ यू ट्राई टू गो टू दैट ट्राई नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा ठीक है तो बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है वहां पे जाइए जब आपको पता है कि हम यहाँ पे इतनी मेहनत कर सकते हैं आपके लिए तो वहां पे तो नेक्स्ट लेवल की मेहनत होगी क्यों क्योंकि वहां पे हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जो यहाँ पे नहीं होते हाँ यूट्यूब में आप बहुत सारी चीजों से प्रतिबंधित होते हो लिमिटेड होती है बहुत सारी चीजें वी आर नॉट एबल टू यूज एवरी सिंगल लाइक थिंग ऑफ इट जो हम करना चाहते हैं क्लासेस में यहाँ पे हम पढ़ा सकते हैं समझा सकते हैं कॉन्टेंट आपको दे सकते हैं बट शायद विजुअलाइजेशन हम यहाँ पे उतने तरीके से ना करा पाए जो कि हम वहां पर बड़े आसानी से करा पाते हैं आ, वो मोटिवेशन वहां के हर एक क्वेश्चन के पीछे एक मोटिवेशन होता है यहाँ पे तो बस आप देख ही रहे हो कैसा चल रहा है <laughs> मजा आ रहा है हालांकि ठीक है थीके? तो बच्चों यहाँ पे भी इट्स साउंडिंग ग्रेट अगर आप घर पे क्वेश्चन लगा रहे हो आपके कॉन्सेप्ट तैयार हैं अगर आपके आठ में से छह चैप्टर भी अच्छे से तैयार है ना घर पे पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है यू नीड नॉट टू गेट इन टू जो फ्री वाले माइक्रो कोर्सेज हों या फिर जो कम कॉस्ट में आ रहा हो जाकर उठा लो लेकिन अगर आपके तीन से चार चैप्टर बस स्ट्रॉन्गली तैयार है और आप रेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन करना चाहते हो भाई साहब टाइम मत मिस करो गो फॉर इट थैंक यू सो मच है गुड टाइम अच्छा वेन यू आर गोइंग फॉर इट ना तो यू यूज द कोड डी पी प्रो ठीक है अब डीपी प्रो से क्या होगा आपके लिए डिस्काउंट हो जाएंगे और आपके लिए आखिरी मौके में ऐसी कोई चीज मिल जाए तो मेरे ख्याल से तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और लुफ्त उठाओ थैंक यू सो मच गुड टाइम बाय टेक केयर